करके। तो वो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से 23 वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कारण क्या है, नॉर्मलाइजेशन के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो आपका 10 शिफ्ट का पेपर है वो किसी को भी नहीं पता कि कौन से शिफ्ट में कौन सा पेपर मिलेगा, तो 5 घंटे पहले ये चीज़ें डिसाइड हो। जय साथियों, आपके अंदर एक नॉर्मलाइजेशन नाम का डर ऐसा बैठ गया कि आपकी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब हो। मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं कि किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्या लास्ट वालों का पेपर हार्ड आएगा। ये आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है जिस वजह से आपकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है और आपके अंदर एक डर बैठा है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें चीज़ें आपको कुछ शायद स्पष्ट नहीं होती, लेकिन इस वीडियो में मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी आपके एडमिट कार्ड तो आउट हो चुके हैं, तो एक बार अपना कमेंट करके बताना आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है। केवल आपका 23 वालों को पता लगा, तो 24 वालों को रात में पता लग जाएगा। तो कमेंट करके बताना जिस जिले से आप हैं, अगर उस जिले से आपके साथी मिल जाते हैं तो 1 से 2 हो जाएंगे, तो आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो अपना कमेंट में एक दूसरे से नंबर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अपना कमेंट करके बता दें जिस जिसको मिल जाए मैच, तो उसके साथ अपना दोस्ती बना लें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि आपके नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहला कि क्या जो है लास्ट वालों का पेपर हार्ड आएगा, और दूसरा यह है कि किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से 23 वालों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। कारण क्या है, उस कारण को जानिए। देखो, 23 वालों जब पेपर देने जाएंगे तो उनके अंदर एक डर बैठा रहेगा कि पेपर किस पैटर्न का आएगा, क्या चीज़ें पूछेगा। तो एक जो अगर आपके अंदर एक डर बैठा रहे, तो आपने मॉक दिया होगा कि आपके अंदर एक डर रहता है, तो आप अगर 230 करने के आपके अंदर क्षमता है, जो क्वेश्चन आपके आते हुए वहाँ गलत जाते हैं, वहाँ आप उस मॉक में आपके 210 ही होते हैं। तो ये डर की वजह से होता है। और जिनका 24 में होगा, 25 में होगा, उनके अंदर वो डर गायब हो जाएगा। कारण क्या होगा कि उन्होंने 30 के जो पेपर हुए हैं 23 तारीख के, वो सारे पेपर के पैटर्न को समझ लिया कि अब उनके अंदर डर नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता हो गया कि मैथ में कैसे क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में कैसे आएगा, जीएस में कैसे आएगा, हिंदी में कैसे आएगा। तो इस हिसाब से आपके उनके अंदर एक डर बैठ जाएगा, तो वो 23 वालों से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि और उनको एक पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। तो मेरे हिसाब से अगर 23 वाला 200 नंबर करके आया, तो जो 24 वाला 210 कर देगा, 215 कर देगा, 220 कर देगा, 30-31 वालों की बात करें 230 कर देंगे, 240 कर देंगे, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से होता है। तो जब आपका शिफ्ट का एवरेज निकाला जाता है, तो इस हिसाब से देखा जाता है कि किस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कम रहा है। 23 का सबसे कम रहेगा, 24 का फिर हिसाब से देखेंगे, जिस हिसाब से देखेंगे कि 25 का सबसे ज़्यादा क्या पता हो जाए, 30-31 वालों का कम हो जाए, जिस हिसाब से देखेंगे उस हिसाब के नॉर्मलाइजेशन आपका डिपेंड करेगा। और नॉर्मलाइजेशन के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो आपका 10 शिफ्ट का पेपर है, वो किसी को भी नहीं पता कि कौन से शिफ्ट में कौन सा पेपर मिलेगा। तो 5 घंटे पहले ये चीज़ें डिसाइड होंगी, तो आपको किस शिफ्ट में कौन सा पेपर दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत हो कि इससे। बाकी जो पेपर आपका बनेगा 200 शिफ्ट का लगभग एक रहता है, उसके लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आपको ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, UPSI का प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, रेडियो ऑपरेटर के देखिए, और UP पुलिस कांस्टेबल के सॉल्व पेपर देखिए। अभी उसका मैं PDF टेलीग्राम पे अपडेट कर दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ जाके उस ग्रुप से पूरा पेपर पैटर्न देख लीजिएगा, आपको खुद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। उसमें देखो क्या होता है, जैसे UPSI में आए थे 40 मैथ के, 40 आपके रीजनिंग की, तो उसमें देखेंगे मैथ और रीजनिंग का सेम पैटर्न हर शिफ्ट में रिपीट होता चला गया। एक चीज़ देखिएगा, जैसे उसमें जो भी क्वेश्चन आया था, अगर ब्लड रिलेशन का वही क्वेश्चन है, तो सेम वही क्वेश्चन रहता था, बस थोड़ा सा उसका डिफरेंस हो जाता था। क्या मैथ में देखेंगे, अगर लाभांश से वही क्वेश्चन है, तो उसमें भी वही होता था, बस डिजिट चेंज होती थी। वर्क एंड टाइम में वही तो होता था, काम उतना निकालना है, वही हर शिफ्ट में देखेंगे आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। और वही इस बार हुआ आपके रेडियो ऑपरेटर में भी देख लीजिएगा, हर शिफ्ट में वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बस केवल डिजिट चेंज रही है, चाहे मैथ की बात करें चाहे रीजनिंग की बात करें। अभी आपके 24 फरवरी जो हुए थे, 17-18 फरवरी, उसमें भी देखेंगे क्वेश्चन रिपीट हुए। UP पुलिस कांस्टेबल के इसके पहले देख लीजिएगा, सारे चारों शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन मैथ रीजनिंग वही रहता। और GK और हिंदी की बात करें, तो जैसे उसमें पूछा गया कि विश्व हिंदी सम्मेलन से क्वेश्चन थे, तो हर शिफ्ट में उससे क्वेश्चन लगभग आया है। तो रचनाओं के जैसे हो गया कि संज्ञा से पूछा जाए, तो संज्ञा से हर उसमें क्वेश्चन पूछा गया, पर्यायवाची पूछी जाए तो उतनी हर उसमें, तो एक पैटर्न आपका रिपीट होता चला जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जिनका लास्ट में पेपर होगा उनको बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। तो वो अगर पहली शिफ्ट वाले 200 नंबर करके आए, तो लास्ट वाले 230-240 करके आएंगे, उसी
चीज का लास्ट वालों को थोड़ा नुकसान होता है नॉर्मल रिलेशन, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा नंबर करके आ रहे हो तब आपको नुकसान होता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, ना तेईस वाल लास्ट वालों को ना पहले वालों को। पहले वालों को कम नंबर आएगा तो आपको नॉर्मल रिलेशन में सबसे ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए परेशान मत होइए। आपको जितना अच्छा यहाँ से करके जाएंगे आपको वहाँ अच्छा होगा। मैंने इस चीज़ को आपको बेहतर तरीके से बना दिया है, आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो एक बार जाइएगा, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे, जो लोग नहीं ज्वाइन किए आपको पूरा जो है पीडीएफ मैं दे दूंगा। उस पैटर्न को आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से आप अगर पूरा सॉल्व कर लेंगे, जैसे आपका 23 के फर्स्ट स्टेप का पेपर जो आपको मिला है, उस पेपर को आप जिस यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, चाहे एग्जामपुर हो गया, RW है, उत्कर्ष, बहुत सारे हैं, तो उसमें देखेंगे आप मैथ रीजनिंग को सबसे पहले प्रेफर देंगे। मैथ रीजनिंग में क्या होगा कि वो क्वेश्चन वही रहेंगे, आप उसमें कन्फ्यूज रहेंगे। जैसे अगर आपके 75 क्वेश्चन रहते हैं, अगर उन क्वेश्चनों को आपने सॉल्व कर लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपके 70 क्वेश्चन आने की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और रही बात जो अच्छे टॉपर रहेंगे 75/75 भी कर देंगे, ठीक है। उस चीज़ को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि अगर आपको पेपर दे देंगे तो आप अच्छा कर लेंगे। अगर पेपर नहीं, मान लीजिए वहीं जमा करवा लेते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन तो आउट हो जाएंगे ना आपके, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन पेपर रहता है सबके दिमाग में क्वेश्चन रट जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है वही चीज़ें बार बार आप क्वेश्चन नहीं देते, लेकिन ऑफलाइन में पलट पलट के आपके क्वेश्चन वही आते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए जिनका लास्ट में उनको घबराने की जरूरत नहीं, जिनका पहले भी है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नाम का प्राणी है, वो सबको बराबर कर देगा, ठीक है। घबराने की ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अब नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होता है वो मैंने आपको बता दिया था पहले, लेकिन एक बार और शॉर्ट में जान लीजिए। तो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला निकला था उस हिसाब से आपके फॉर्मूले में क्या होता है, पहले आपकी 23 की फर्स्ट शिफ्ट के जो 0.1% स्टूडेंट जो टॉप करेंगे, 4000 मतलब कि आपके 4 लाख एवरेज है हर शिफ्ट का, तो जैसे किसी का 280 आया, किसी का 275, किसी का 270, किसी के 250, इस हिसाब का आपका टॉपर का पूरा एवरेज निकाल देंगे कि हाँ टॉपरों का कितना एवरेज रहा जो टॉप 4000 स्टूडेंट है। यही 23 के सेकंड में करेंगे, यही 24 के फर्स्ट में, यही 25 के, यही सारी शिफ्टों में यही चीज़ें करेंगे, और फिर देखेंगे एवरेज मार्क्स किस शिफ्ट का सबसे ज़्यादा रहा, किस शिफ्ट का ईजी रहा, किस शिफ्ट में कम रहा, तो उस हिसाब से उनको पता लग जाएगी हाँ इस शिफ्ट का पेपर ईजी था। पेपर सबका सेम रहेगा, बस ये कह रहेगा कि जिसको लास्ट में पेपर रहता है उसको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है उस चीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे आपको स्पष्ट समझ में आता। फिर उसमें देखा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से दे। अब बारी आती है कि नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा निगेटिव मार्किंग आप कहते हैं रोल, तो निगेटिव मार्किंग का बहुत कम रोल होता है, ठीक है, ना के बराबर। उस पर सबसे ज़्यादा रोल होता है कि क्वेश्चनों का, कि कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी को नहीं आ रहे हैं, उसमें से मान लीजिए 100, अगर मैं 1% की बात करूँ, 100% में से लगभग 20% ही स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, बाकी 80% स्टूडेंट में क्या होगा कि 40% उसको छोड़ देंगे, 40% तुक्का लगाएं। जो स्टूडेंट उसको सही करेंगे उनको नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए उस चीज़ का, जो उस चीज़ को गलत करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जो नहीं करता उसको तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हार्ड जो क्वेश्चन हो उसको मेरे भाई मत टच करना, ठीक है, नहीं तो फिर आपको नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने आपको पूरे तरीके से आपको समझा दिया है, और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम ID हो चाहे टेलीग्राम ID, मैं आपके सबके जवाब दूंगा, क्योंकि कमेंट में क्या होता है काफ़ी कमेंट हाइड हो जाते हैं, नहीं समझ में आता, इसलिए कमेंट क्या पर्सनल मैसेज पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। बाकी कमेंट में अगर लगेगा जवाब देने लायक तो मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी आपके रह रहा हो तैयारी संबंधित कोई डाउट है तो आप पर्सनल मैसेज करके आपके मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो जाइएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके वहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।